केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बयान का विरोध जारी है। परेड चौराहे पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू का पुतला दहन किया। केंद्रीय मंत्री रणवीर सिंह बिट्टू और महाराष्ट्र के विधायक और उत्तर प्रदेश के मंत्री के द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेसियों का विरोध प्रदर्शन लगातार दिख रहा है। जहां अलग अलग स्तर पर कांग्रेस इस बयान का विरोध कर रही है, वहीं आज युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा भी सड़क पर उतरकर इस बयान का विरोध किया, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का पुतला दहन कर भाजपा के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष का कहना है, जिस तरीके की टिप्पणी और बयान भाजपा के नेता राहुल गांधी को लेकर दे रहे हैं, वह सरासर गलत है और इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है। देश है और लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारे नेता संसद में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने अगर जनता की बात को सदन में रखा है तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो नेता नहीं है, वो गुंडे हैं। वो इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग पूरे देश में कर रहे हैं। अगर इसी तरह का माहौल रहा तो भारतीय जनता पार्टी किसी आम आदमी को बोलने तक का अधिकार छीन लेगी। ये पुतला दहन उनके मुंह पर तमाचा है, जो माननीय राहुल गांधी जी के खिलाफ अनर्गल टीका टिप्पणियां पूरे देश में कर रहे हैं। मैं आप सबके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के इन गुंडों को आज ये पुतला दहन के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप ये टिप्पणियाँ बंद नहीं करोगे तो आने वाले समय में यूथ कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर और भी उग्र आंदोलन करेगी। मेरा नाम शैलेन गुर्जर, जिलाध्यक्ष। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।